एमवे बंटाई इंस्टाग्राम लाइव पार्ट टू, लेट्स गो। तो कभी भी रिएक्शन चैनल वालों को भी बोलूंगा, कभी किसको कंपेयर मत करो रे कि हाँ ये अच्छा है, शायद से ये रैपर ऐसा करता है, ये रैपर ऐसा नहीं करता। अबे बच का नहीं, सबका एक एक स्टाइल रहता है। अब ये सारे रिएक्शन चैनलों को भी चेक करूंगा ना भाई, टीम को बोल अच्छा। फुल ऑन फुल फ्लेजेड जा रहे लो 2022 जो भी है। ये मेरे लिए ऑनर होगा अगर एमए वन टाइम मेरे चैनल को चेकआउट करे और मेरे चैनल में वो आए, वो मेरे वीडियो देखे। ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। यू नो वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आके मेरे चैनल को चेकआउट किया, दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। ओके, अगर उसमें कुछ भी एमए बंटा या फिर उनके टीम को लगा कि मैं बायस्ड हूँ, मैं एमए बंटा के लिए चीज़ें बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ें वो सब, अगर ऐसी बात है तो लेट मी नो, मैं वीडियो टेक डाउन कर लूँगा। आपका जो भी यू नो आदेश होगा वो हम पालेंगे, यू नो आपका, क्योंकि आपका गाना है। अगर आप नहीं चाहते कि हम रिएक्ट करें उसमें, हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। बट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड द पॉइंट एमए का कि कुछ रिएक्शन चैनल्स जो है वो ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड नोशन लेकर एमए के गाने को रिएक्ट करते हैं, एक अपना एक माइंडसेट बना के एमए के गाने को रिएक्ट करते हैं कि बैश करना ये गाना, चाहे जैसा भी हो, वाइबी हो या फिर अच्छा लगे, आपके दिल को अच्छा लगे, लेकिन बैश करना है क्योंकि आपका कुछ मतलब ऐसा कुछ है, आपने माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि हमें लिरिकल हिप हॉप चाहिए। और ऐसे रैपर्स, ऐसे रिएक्शन चैनल्स भी हैं जिनको आप लिरिक्स दो तब भी वो समझ नहीं आता, लेकिन उनको लिरिकल हिप हॉप चाहिए होता है, यू नो, क्योंकि कूल दिखना है, राइट। बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स ऐसे होते हैं उनको कूल दिखना है, इसलिए हमेशा वो बोलते हैं कि लिरिकल हिप हॉप, लिरिकल हिप हॉप, लिरिकल हिप हॉप। लोग लिरिकल हिप हॉप जिन्होंने जिंदा रखा है उनको शाउट आउट, लेकिन वाइब भी चाहिए। और वो प्रोड्यूस करते हैं एमए बंटा है, लिरिक्स भी देते हैं हमें, इतने कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स नहीं होते हैं और वो काफ़ी अच्छा है। अगर सब लोग ही कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स लिखने लग गए तो फिर हम एंजॉय कैसे करेंगे गाने को, यू नो। सो एमए बंटाई का पॉइंट सही है, एमए बंटाई का गुस्सा भी सही है कि काफ़ी रिएक्शन चैनल्स ऐसे करते हैं, गलत करते हैं, मतलब एमए बंटाई के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों को बहुत हल्के में छोड़ देते हैं कि, तो इतना है, इतना इतना ऐसे इतना रूल जो है अपना टाइट कर देते हैं। क्यों ये प्रिंसिपल्स एमए के लिए होता है, बाकी सभी के लिए क्यों लागू नहीं होता उनके रूल्स, यू नो। सो इट्स अ गुड पॉइंट फ्रॉम एमए बंटाई। एंड या प्लीज़ मैं एमए बंटा का तो बोलूँगा आप चेकआउट करो। और रही बात कंपैरिजन करने की, मैं कंपैरिजन करता हूँ, व्हेन थिंग्स कम टू डिस बीफ, ये जो बैटल होता है इसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ता है कि किसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी। जब कृष्णा के गाने में भी देखता हूँ तब भी मैं एमए के फ्लो, एमए के डिलीवरी, एमए के यू नो एनर्जी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ ये नहीं होता, दूसरों को नीचा गिराने का चीज़ें नहीं होती, एक रेफरेंस भी होता है कि ये ऐसे हार्डकोर म्यूज़िक एमए नहीं बनाए, ऐसे हार्डकोर म्यूज़िक कृष्णा ही बनाए, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो कृष्णा के हार्डकोर म्यूज़िक में मिसिंग है, जो एमए में मिसिंग नहीं है, और एमए इतना तगड़ा, यू नो उसके नंबर्स इतने अच्छे हैं, उसके साथ इतना रिलेट हो सकता है लेकिन कृष्णा के साथ नहीं होता है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना है, आप रेफरेंस देते हो क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं, ये रिएक्शन चैनल्स बोलते हैं, ये हमारा काम है बोलना कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टाइल ख़राब है, इसका सबका अपना अपना स्टाइल है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं बीफ बैटल में खास करके कंपैरिजन करना पड़ता है, कौन किससे बेहतर है ये जानने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। पेड़ चले करते हुए दिखेगा नेट में हम लोग के बारे में फालतू बोलते हुए, कुछ भी ज़्यादा छाने बनते हुए देखे, मैं मेक श्योर करूँगा कि उन लोग के चैनल पर स्ट्राइक आए, उन लोग का चैनल डाउन हो जाए, मैं करके रहूंगा बेटा। अभी से जो भी रिएक्शन चैनल वाले लोग है ना, फालतू बात करो, मेरे को नीचे गिरा नहीं सकते रे तुम लोग, कला से आया हो, मेहनत से आया हो, बिल्कुल गाने बनाया मुझे, खुद से मेहनत करके आयो यहाँ तक इंडिपेंडेंटली, भक्त से बोलता हूँ, ऑर्गेनिक इंडिपेंडेंट रैपर बिना पैसा लगाए 3 मिलियन पार ऑर्गेनिक मेरे म्यूजिक वीडियो पे आया, 1 रुपया नहीं लगाया हो तुम लोग के जैसा चोर जैसा ऐड नहीं चलाया हो, और खुश हो जाते कि नंबर वन कहीं का नंबर वन रे, पैसा लगा के तो मैं कोई भी नंबर वन आ सकता, मैं कल के रस्ते पे चल रही पब्लिक को भी ले गया कि उसका यूट्यूब चैनल करके पैसा घुसा के मैं नंबर वन ला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सारी चीज़ें ले देखेंगे। रुको ना तुम लोग जरा, ये लोग की राज खोलता हो, ये लोग खोल दिए ना वैसे तो, धीरे धीरे और भी बातें मेरे को मालूम पड़ी ली, बाकी तुम लोग को मैं यही बोल रहा हूँ। ऑल्सो ये बात को मैंने पहले ही बोल चुका है कि जो नंबर्स की बात है कि कृष्णा के इतने फॉलोअर्स नहीं है, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन उसको नंबर्स आ रहे हैं,
ओके सो एमए बंटा है और पूरा बंटा है की पब्लिक बात बोल रहा है कि बॉट्स यूज़ किए हैं, पैसे दिए हैं, फेक व्यूज़ है, फेक चीज़ें हैं। लेकिन आप ये भी ये फैक्ट भी आप ये नहीं कर सकते, आप मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते ये फैक्ट को कि कृष्णा डिस किसे कर रहा है। वो डिस कर रहा है इंडियन हिप हॉप का सबसे बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, जो एपिटमी है अभी इंडियन हिप हॉप का, यू नो, जो एक एक सेंटर में है जिसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती रहती है, यू नो। तो उस बंदे को कृष्णा ने डिस किया है, तो ऑब्वियसली ये नंबर्स सरप्राइजिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स इसीलिए है। आप व्यूज़ से देखो मत, व्यूज़ हर किसी के आते हैं, टकाशी के भी व्यूज़ आते हैं, टकाशी के भी व्यूज़ आते हैं, लेकिन लोगों के आइडल नहीं है टकाशी, यू नो, व्यूज़ उसको भी आते हैं, यू नो। इसीलिए कृष्णा के मचाएंगे फोर में व्यूज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदे ने, मतलब लाइक से पता चलता है कितने लोगों ने पसंद किया, उनके लाइक से पता चलता है, कमेंट में पता चलता है कितने लोगों ने, कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, मतलब ऐसे स्पैम नहीं कर रहे हैं। तो वो सब फैक्टर्स होती है कि आप देखो नंबर्स क्यों बढ़े, वो एमए बंटाई को डिस किया इसलिए नंबर्स बढ़े, ये भी हो सकता है कारण। फेक बॉट्स, फेक व्यूज़, कुछ भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता उस बारे में, यू नो। जो हमने देखा था अंकित खन्ना का, उसमें फेक व्यूज़ फेक बॉट्स के बारे में बातें नहीं हुई थी, लेकिन हो सकता है वो फेक व्यूज़ फेक बॉट्स भी लेकर आए, लेकिन ऑफ कोर्स एमए बंटे को वो डिस कर रहे हैं, तो नंबर्स बनते हैं, ठीक है, नंबर्स बनते हैं। और वो ट्रैक भी काफ़ी तगड़ा था, मचाएंगे फोर, ठीक है, एमए बंटे के ट्रैक्स भी काफ़ी तगड़े थे, वो भी ट्रैक काफ़ी तगड़ा था कृष्णा का, तो नंबर्स आने स्वाभाविक हैं। ये वार्निंग है भाई कि तुम लोग के बारे में सारी चीजें मेरे को मालूम है, और भी चीजें इतनी खबर है ना, तुम लोग के आसपास के खबरी लोग है ना, तुम लोग के वही लोग मुझे सब खबर दे दी लेके, क्या कौन कहाँ पे कैसा किसको कौन किसका बाप। सब सब खबर रखे हैं एमए बंटा है, खबरी लोग, चारे चारों तरफ खबरी लोग एमए बंटा है के। वही लोग मुझे सब खबर दे दी लेके, क्या कौन कहाँ पे कैसा किसको कौन किसका बाप कहाँ क्या रहता है, कौन किसकी माँ कहाँ कहा, रहती है, कौन क्या करता है, कौन कैसा किसके साथ फ्रॉड किया, कौन किसके साथ क्या नहीं किया, कौन किससे वो कभी कहाँ पे पकड़ा गया, सब कुछ A to Z डिटेल मेरे पास है, इससे ज्यादा। कौन कौन किससे कहाँ पे पकड़ा गया। एमए बनता है मैंने, सो गुड मैन, इज सो मुझे मेरी गुड। माँ बात बा, मुंह मत खुलाओ, वरना रैप में मैं वो सारी चीजें भी बोल दूंगा, तुम लोग का नाम खराब करने में वो कोई मसला नहीं। लाला नथिंग टू लूज वाला शॉर्ट है, नथिंग टू लूज वाला शॉर्ट है, क्या नथिंग फिर टू से आए ले। लूज, अब मेरे माँ बाप भी बैठ के देखते हैं रैप, रैप मेरे घर वाले भी देखते हैं बैठ के रैप, वो लोग भी सुनते हैं, वो लोग को गुस्सा नहीं आएगा क्या, वो लोग क्या बैठ के घर पे क्या ऐसा बेटा घर पे बैठ जाओ, ऐसे माँ बाप नहीं रहे मेरे, तुम लोग धमकी देगा, हम लोग धमकी लेने वालों में से नहीं है रे। और मैं पब्लिक से अच्छे से बात करता हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने आप को बदला हूँ, पहले का जो इंसान था ना उस इंसान से बदल दिया हूँ मैं अपने आप को, अभी मैं बहुत तेजी से ऐसा। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। ये एड्रेस करना बहुत मुश्किल है काफ़ी सारे रैप आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट के लिए इसीलिए लोग एमयू के साथ ज़्यादा जुड़ पाते, इसीलिए एमयू के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते, क्योंकि बंदे ने बोला, ये एड्रेस किया कि मैं एक डार्क साइड में था, उस डार्क साइड में, डार्क साइड से मैंने खुद को उभार के निकाला हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, तो मुझे वो जो एमयूए था वो एमयूए में बन के नहीं रह सकता था, यू नो। तो मैंने खुद को चेंज किया, मैं बहुत शांत स्वभाव का बन चुका हूँ, मैं इतना इतना यू नो स्लैंग्स यूज़ नहीं करता, मैं सबसे तहजीब से बात करता हूँ, जो लोग मेरे से तहजीब से बात करते हैं मैं उनके साथ डबल तहजीब से बात करता हूँ, ठीक है। तो एड़े चाली नहीं करने का मेरे सामने, क्योंकि वो डार्क साइड को मैं नहीं जाना चाहता। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, कि लोग समझते हैं कि आप जब डार्क साइड में थे तो लोग आप पे आपके ऊपर सवाल उठाते थे कि एमए ये क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे इतना गुस्सा किस लिए, इतने ये, तो उस टाइम पे सवाल उठते हैं। तो जब उभर के आ गया एमए तब सवाल नहीं उठ रहे, क्योंकि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये एमए को एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग जानबूझ कर एमए को उस डार्क साइड में वापस ढकेलना चाहते हैं, ताकि एमए फिर से अपना कंट्रोल लूज़ करे और वो सब चीज़ें बोले जिसका बाद में उसको पछतावा हो। ब्रा ब्रा, अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके हेटर्स जरूर हैं। सब आर्टिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ मैं, हर बार बोला हूँ सबको रिस्पेक्ट है, सबको प्यार है, और ये छमे आके इंटरनेट में गैंगस्टर है, ये सामने मिले लो इसके साथ में, तुम लोगों को लग रहा है ना पब्लिक ये कैसा है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेरी मम्मी को लाना चाहिए था आज, मेरी मम्मी को पूछो कैसा है, आंटी नमस्ते, ऐसा है सामने ये जब। वेल दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर कृष्णा कि एक वेल बिहेव्ड पर्सन है, एंड ऑल्सो मैंने बोला था कि अगर कृष्णा एक वेल बिहेव्ड पर्सन है तो फिर गाने में ऐसा क्यों,
गाने में ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई गैंगस्टर रैप नहीं था। आप ये रैपिंग के मामले के रैपिंग से बाहर ही जाएगा, ये सब चीज़ें बोली गई है, ये रैप नहीं हुआ था, ठीक है? ये रैपिंग के अंदर वो गैंगस्टर रैप नहीं चल रहा था, ये एक्चुअली एक फिजिकल वायलेंस की धमकी थी जो गलत था, यू नो। बेटा था एस, मुंबई फाइनेंस का एस। एंड ऑल्सो मेरा मेरा ये पॉइंट है कि मे बी कृष्णा ने वो लाइंस नहीं लिखी थी, अगर लिखी थी देन दैट वाज वैक, शिटी शिटी लाइंस था, शिटी चीज़ें वो नहीं बोलनी चाहिए थी, फिजिकल वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए था। एंड फिजिकल वायलेंस की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहिए चीज़ें। मुझे लगता है अंकित खन्ना का इन्फ्लुएंस है, अंकित खन्ना ने बोला कि आप कैसे करो कैसे नहीं, ये सब चीज़ें, तो गलत बात है, गलत बात है। मैं डिवाइन ब्रदवी सब लोग बैठे थे, लोगों को मालूम है उस टाइम पे कैसा वो मिट्टू कैसा था वहाँ पे, वाह सब लोग सामने बैठे थे, तो छमियाओ कैसी थी सबको मालूम है वहाँ पे, इसने तो सामने ही बोल दिया यू रैपर फ्रॉम दिल्ली सॉफ्टर देन दिल्ली, नो हेट टू दिल्ली, दिल्ली सीन, दिल्ली को तो बहुत प्यार है दिल्ली, लेकिन मैं पास की बातें बता रहा हूँ, क्या है डायलॉग इस मुंबई फाइनेंस के, इसने क्या बोला था कि छमिया को, तो और छमिया क्या बोले जाना है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसे इंसान है रे वो, तो दैट इज़ गुड थिंग, दैट इज़ गुड थिंग। कृष्णा को मेलो बोल रहा है यहाँ पे एम ए बंटा, विच इज़ आई डोंट फाइंड इट ऑफेंसिव। कृष्णा को बोल रहा है कि वो मेलो है, वो इतना गैंगस्टर दिखाता है गाने में, ये सब बोला है उसने, लेकिन ये उसका पर्सनैलिटी है नहीं, ये वो है नहीं जो वो दिखा रहा है कि बाहर आके मिलेंगे, रैप से बाहर जाएगा। सो आई थिंक इट ये कॉम्प्लीमेंट है कृष्णा के लिए। वो रियलिटी में कोई गैंगस्टर नहीं है, इनके पीछे जो भी है ये गन्ना कर रहा है, गन्ना तो वो बोल रहा है कि ये कुछ नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, ये जो चीज़ें हो रही है, मैं भी वही बोला हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यूज जितना भी मैंने देखा है, जितना भी मैंने गाना सुना है, उन सब चीज़ों से एज अ यू नो, मैं ना एमयूए को पर्सनली जानता हूँ ना कृष्णा को पर्सनली, तो यही विंडो होता है झांकने का, एक आर्टिस्ट के लाइफ में झांकने का यही विंडो होता है, उनके इंटरव्यूज़ उनके ट्रैक्स, यू नो, वहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि उनका पर्सनैलिटी कैसा है, वो कैसे है एज एन एज अ पर्सन, वो कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें पता चलती है। देख तेरे को अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है शॉर्ट करने का, मेरे को भी कोई मसला नहीं है, मैं भी शॉर्ट कर दूंगा, तुम लोग भी शॉर्ट कर लो, ये चीज़ को खराब मत करो, सिर्फ बीफ 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 हो गया है मेरा, वैसे भी ईपी आ रहा है, एल्बम आ रहा है, अच्छे गाने तैयार किए, ये हिप हॉप को ना गलत रास्ते में मत ठुकरा, गलत रास्ते, ओके, सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये एड्रेस किया मैंने, इसको पहले एड्रेस किया था, लेकिन इसको अभी एमयूए ने बोला कि बीफ में काफ़ी चीज़ें हो रही है, जो उन्होंने स्निपेट डाला था, जिस स्निपेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली उनका रिएक्शन था, वो गुस्से में थे और वो फील कराना चाहते थे कृष्णा को कि कैसा फील होता है जब आपके लव्ड वंस को कोई ऐसा बोलता है, और आप गाना बनाते हो ऐसे लव्ड वंस के बारे में, लोग झूमते हैं उसमें, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है, यू नो, लोग ये समझ नहीं रहे कि उसने कैसा गलत बात बोला, लोग इन्जॉय करते हैं, ठीक है, और जिसके लिए वो बोला गया है वो कितना कुछ सहना पड़ता है उसको बिहाइंड द सीन, कैसा कुछ चलता रहता है, तो एमवे इज़ वेरी राइट कि ये जो बीफ का जो सीन है ये काफ़ी गंदा हो चुका है, यू नो, कृष्णा ड्रैग कर चुके हैं एमवे को, एमवे के लव्ड वंस को, एमवे ड्रैग कर चुके कृष्णा के फैमिली को, सो ये काफ़ी रॉन्ग हो चुका है, एक गलत साइड में जाके रुक गया है, सो ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एमवे बंटाए को मैं पसंद करता हूँ, इसीलिए वो रियल है, क्योंकि रफ्तार कृष्णा कलमकार की तरफ से कोई एड्रेस नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि चीज़ें गलत जा रही है, हमें ये बंद कर देना चाहिए, ट्वीट भी नहीं आ रहा है, एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है, यू नो, सो आई डोंट थिंक, इसीलिए लोग कनेक्ट नहीं हो पाते कृष्णा के साथ, इसीलिए रफ्तार के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज ही बनते हैं कलमकार के लिए, उसको आप नकार भी नहीं सकते, यू नो, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनते हैं, काफ़ी सारे लोगों के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन जाते हैं रफ्तार और कृष्णा के, वो कंसिडर भी नहीं करते उनको, क्योंकि ऐसे एड्रेस नहीं करते वो लोग, जो एमयूए बंटाई करता है टाइम टू टाइम करता है, यू नो, उसको कुछ बोलना होता है, दिल में कुछ बातें होती है, वो बंटाई की पब्लिक या फिर हिप हॉप की पब्लिक से जाके, बंटाई की पब्लिक एंड हिप हॉप की पब्लिक से जाके बात करता है, दिल खोल के बात करता है, जो भी उसके दिमाग में होता है जुबा पे लाता है और कन्वे करता है। रुका दो रे, हर बार तुम लोग डेज सेफ डेज लेके आते सब गाना, अरे जाके यूट्यूब पे चेक करो रे खुद के, ऐसा कौन सा गाना है जिसमें मेरे नाम के बिना तुम लोग चले रहे, सब में मेरे को लुक, ऐसा काफ़ी सारे ट्रैक्स है रफ्तार और कृष्णा के जिसमें डिस नहीं है, यू नो, काफ़ी सारे ऐसे ट्रैक्स है जिसमें डिस नहीं है, लेकिन वो गाने चले नहीं, यू नो, वो गाने एज एक्सपेक्टेड नहीं चले। मेरा पर्सनल फेवरेट जो ड्रीम है कृष्णा का, वो इतना नहीं चला, डेफिनेटली इतना नहीं चला, पर एमयूए बंटा, इफ एमयूए बंटा लिसन टू दैट ट्रैक,
तो एमए बंटा है डेफिनेटली बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा ट्रैक है। तो प्रॉब्लम यही है कि गाने चले नहीं, एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि गाने चलते नहीं है, फिर तीन गाने नहीं चलते, फिर चौथा एक डिस्ट्रैक होता है जस्ट टू गेट द व्यूज़ द क्लाउड यू नो वो सब एंगेजमेंट वो सब पाने के लिए एक डिस्ट्रैक होता है। सो वो पोकिंग है, अननेसेसरी पोकिंग है। तो क्योंकि वो समझते हैं कि एमए बंटा रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने नहीं दिया था सीधा मेक ओवर और यू नो फ्री वर्स फीस लंगर का उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था क्योंकि वो समझते नहीं थे कि यार रिप्लाई देने का कोई काबिल भी है यहाँ पे, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पर्सनल इशू नहीं है, मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन द मोमेंट शी ही वेंट आफ्टर हिज लव्ड वन दैट वो गलत हो गया, वो डेफिनेटली गलत हो गया। करो रे खुद के, ऐसा कौन सा गाना है जिसमें मेरे नाम के बिना तुम लोग चले रहे, सब में मेरे को डिस्क ले, सब में मेरा नाम ले ले तुम लोग, हर गाने में कुछ ना कुछ तो एमिवे को उंगली किए बिना तुम लोग को मजा नहीं आता। और बंटाई की पब्लिक अभी भड़क गई ले लाला, पूरी बंटाई की पब्लिक बम्बई में ना सब भड़क गए ले, और सब लोग को मैं यही बोलो पब्लिक प्यार पीस, कोई कोई गलत चीज नहीं करने का, जो भी है इसको प्यार से निपटाओ। लुक दिस इज व्हाट आई वांट, एमिवे जैसे कि अपने बंटाई की पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, कृष्णा शुड कम आउट एंड एड्रेस हिज आवाम, जो आवाम है, क्योंकि आवाम उनकी आवाम जो है सो कॉल्ड आवाम काफ़ी गलत चीज़ें बोल रही हैं, काफ़ी गलत चीज़ें बोल रही हैं, यू नो टॉक्सिक बातें हो रही है, कृष्णा के जो अंकित खन्ना के साथ चीज़ें हो रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, फिर सिद्धू मूसेवाला के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, तो कृष्णा शुड कम एंड कृष्णा शुड एड्रेस यू नो इन सब चीज़ों के लिए बातें करनी चाहिए, जैसा भी वो बात करना चाहते हैं वो करनी चाहिए। अगर वो अकेला बात नहीं कर पाते रफ्तार के साथ आना चाहिए क्योंकि वो दोनों ब्रदर्स है, यू नो जैसा कि उनका एलाय उनका जो बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग दिखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ये लोग के हाथ में अभी ये लोग को क्या करने का, ये लोग घर के बाहर आने का है कि लड़े क्या करने का, ये लोग के ऊपर है अभी कोई लड़ाई नहीं, प्लीज आई डोंट वांट एनी फिजिकल। और इतनी पटेली तो लाइव ज्वाइन होने के लिए सबको टैग भी कर दिया और छमिया को मैसेज भी किया, मैं छमिया सीन करके भाग गए ली, छमिया को मैसेज किया लाऊ मैं, डालू क्या स्क्रीनशॉट, छमिया सीन करके भाग गए, bro that is a big L bro, that is a big big huge L bro, you know Krishna come on man, आपको कोई कुछ तो बोलना चाहिए था, इतना ही बोल देते कि भाई अभी तू भाई तो नहीं चल बंटाई तू अभी गुस्से में है, अगर तेरे को sort out करना ही है तो फिर बाद में लाइव आते हैं, इतना तो बोल ही सकते हो ना भाई। लेकिन अगेन लेबल के अंडर अगर आप साइन हो तो लेबल से बिना पूछे आप नहीं कर सकते कुछ, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सकते, दैट्स हाउ लेबल वर्क्स मैन, That's how label works, man. Freaking. सीन करके भाग गई ली, बहुत पटीली मारती ना, इतना beef rapper बनता तू, beef rapper तो आना beef में रात में। He's so pissed. कितना गुस्से में है भाई बनता है, कितना गुस्से में कि beef rapper बनता है तू। He's so ना लाला। हाँ beef rapper rapping। और वैसे भी इसको अभी कोई इसको खत्म कर दे ले बाबा, इसका जितना देने का था उतना दे दे ले, अभी ये वापस आएगी मेरे को मालूम है, अगर मेरे को कोई बात बुरी लगेगा वापस तू माँ बहन या बंदी पे गया तो अगली बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तेरे घर वालों के ऊपर जाने में और तेरे घर वालों को पूरा बेइज्जती करने में। और उस लुक एमए बंटा ने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, अगर ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मचाएंगे फोर के बाद कोई और डिस्ट्रैक्ट कुछ नहीं आने वाला है, अगर कृष्णा ला रहा है एक और डिस्ट्रैक्ट लाएगा जो मेरे को लगता है वो ला रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा आपने ड्रैग किया किसी लव्ड वंस को, क्योंकि एमए को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि एमए उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप कुछ भी बोल दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप किसी को ड्रैग कर रहे हो, यू नो आप किसी को अगर ड्रैग कर रहे हो देन एमए विल गो वेरी हार्ड, वो कीचड़ वो बोले कि मैं नीचे उतर जाऊंगा एकदम, ठीक है मैं नीचे उतर जाऊंगा, आप नीचे घसीटोगे मैं नीचे उतर जाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा कीचड़ में उतर के आपसे भिड़ूंगा, ठीक है। सो ब्रो ब्रो कृष्णा यू गॉट, आप अगर कुछ लिख रहे हो अभी तो अगर आपके ऐसे बाहर से जहाँ पे आप फैमिली फ्रेंड्स या फिर लव्ड वंस को ऐड कर रहे हो तो ये भी सुन लो कि ये रिप्लाई में गंदगी आने वाली है, बहुत ज़्यादा गंदगी आने वाली है, तो उसके लिए आप रेडी रहो। तो आप फिर नहीं बोल सकते अपने गानों में, यू नो कृष्णा ने अपने गानों में ये सब नहीं बोल सकते कि तू फैमिली के बारे में बोलेगा, तू माँ बाप के बारे में बोलेगा, तू ये करेगा वो करेगा, ठीक है नहीं करना चाहिए। उसके अलावा और भी बातें हैं जो अभी नहीं बताऊँगा, जो बातें अंदर रखा अंदर ही रहने दो, ये तो सब फुल फ्लेजेड लेके पूरी जिंदगी तैयार हो रहे, कोई फर्क नहीं है, एड़े चाले कोई फर्क नहीं है, बस इतना बोलूंगा पब्लिक को सही ज्ञान दो, सही नॉलेज दो,
लफड़ेबाजी की बात मत कराओ रे, फैन लोग देखते हैं इधर, बच्चे लोग फ्यूचर के ना जो हिप हॉप करेंगे ना वो लोग देखेंगे कि भाई ये हिप हॉप क्या जरिया में जा रहा है, क्या तरीके में जा रहा है। तू बोलेगा बंदी के बारे में कि हाँ बंदी का पिंक था, इसका वो था, वो सब चली से क्यों रे, बंदी औरत नहीं है कह रहे, मेरे को ये बात तो बता। ट्रू ट्रू, ये फैक्ट है भाई, फैक्ट है, क्योंकि ये दिमाग में चलता है, एमयू के दिमाग में चला है, एमयू को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला। लेकिन जब उन्होंने ड्रैग किया उनके लव्ड वंस का, यू नो, उनके फैमिली फ्रेंड्स को ड्रैग किया, उनके फ्रेंड्स को ड्रैग किया, फैमिली को नहीं, उनके फ्रेंड को ड्रैग किया, तो दिमाग में चलता है ये सब बातें, क्योंकि आप उनसे बात करते हो, फिर आप देखते हो उनके कमेंट सेक्शन, फिर आप उनके चीज़ें देखते हो कि उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है आफ्टर यू नो जो कृष्णा ने बोला उसके बाद कैसा बिहेव हो रहा है, ये सब चीज़ें आप देखते हो, रिएक्शन होता है दिमाग में, यू नो, और फिर आप जवाब देते हो, आप डिफेंड करते हो अपने फ्रेंड, अपने यू नो लव्ड वंस को डिफेंड करते हो वहाँ पे। ठीक है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सोच सही रही है एमवे की, तरीका गलत रहा है, तरीका बहुत गलत रहा है, सोच सही है, सोच एमवे की हमेशा सही रही है, तरीका गलत रहा है, क्योंकि ऐसा है, आप वो सिचुएशन, वो जो चीज़ है मचाएंगे फोर में जो एमवे ने वो किया, वो नहीं करके भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते थे, यू नो, समझा सकते थे अच्छे से। तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एमयूए को, हैंड्स डाउन विनर घोषित कर देते हैं, मैं बोलता हूँ आपको, हैंड्स डाउन विनर घोषित कर देते हैं। बट या अगेन, बंदी माँ, ये जो डिबेट चलता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बंदी के बारे में ठीक है लेकिन माँ का दर्जा ऊपर है, ये रिएक्शन चार्ज करते हैं कि ये कम गलत है, ये ज़्यादा गलत है, दोनों गलत हैं, कम ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो बंदी भी आगे जाकर माँ बनने वाली है, ठीक है, वो बंदी भी अपने लाइफ में एक बेटी है, एक बहन है, यू नो, वो रोल सब निभा रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, अपना घर चला रही है, काम कर रही है, घर चला रही है, ठीक है, और वो बंदी फ्यूचर में जाके वो माँ भी बनेगी, तो आप ये सब नहीं कर सकते कि वो माँ का दर्जा ये क्या दर्जा। डेफिनेटली मैंने जब सुना तो आप ये नहीं बोल सकते कि माँ इज़ इक्वल्स टू ऑल अदर वुमेन, नहीं, माँ का प्यार हमेशा बड़ा होता है, माँ का ओहदा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो माँ के बारे में बोलना भी गलत है, किसी बंदी के बारे में बोलना भी गलत है, ठीक है, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते कौन थोड़ा गलत है कौन ज़्यादा गलत है। डेफिनेटली माँ के बारे में बोलने के लिए हमारे जुबान कांप जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं माँ का ओहदा क्या होता है, ठीक है, एक 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 लड़की जब माँ नहीं बनती, वो जो जर्नी है माँ बनने का, यू नो, किसी अपने बच्चों को कोक में रखना 9 महीने, वो पेन, वो जो चीज़ें हैं वो फेस करना, वो फेस करके एक एक औरत जो है वो माँ बनती है, और उसको आप नीचा गिरा रहे हो, उसको आप पैरों के नीचे आके रगड़ दे रहे हो, तो सुनने को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि माँ का जर्नी क्या है, एमवे को भी पता है माँ का जर्नी क्या है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है, एमवे बंटाए गुस्से में, एमवे बंटाए रिएक्ट करना चाहते हैं, एमवे बंटाए फील कराना चाहते हैं कृष्णा को कि कैसा ये होता है, ये सब चीज़ें कैसे रिएक्ट करती है। कभी कभी ना कभी तो शादी करेंगे ना लाइफ में, कभी तो बीवी आएंगे ना, सी आसपास के लोग, ये लोग के मैं ये खुलेआम रफ्तार को भी बोल रहा हूँ, बाबा तुम तो ज्ञान दो बाबा पब्लिक को, आसपास के तुम तो फुल पॉलिटिशियन बन के। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट रफ्तार के लिए कि वो एक्चुअली एमयू समझ रहे हैं कि चलो रफ्तार के पास थोड़ा बहुत दिमाग है, तो रफ्तार क्यों नहीं बोलता कृष्णा को और कलमकार को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्णा को बोला है कि नहीं बोला रफ्तार ने? अगर बीआर आर्टिस्ट का कोई बीआर में कोई आर्टिस्ट ऐसा चीज़ें बोले तो बंटाए 100 लोगों को बुलाकर उस आर्टिस्ट को नहीं समझाएगा। बंटाए अपने जो गैदरिंग वो करते हैं, जो चिल आउट करते हैं, उस चिल आउट में ही वो अपने आर्टिस्ट के साथ बात करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा चीज़ें मत बोल, ऐसे रिएक्शंस होंगे, ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें नहीं बोलते, ये सब नेगेटिव होंगे, ये सब वो वहीं पर समझाएंगे, और उसके बाद वो आर्टिस्ट मानता है कि नहीं, वो उसके ऊपर है, ठीक है, तो क्या मालूम रफ्तार ने मे भी कृष्णा को बोला होगा, मे भी नहीं बोला होगा, ठीक है, तो अगर हम एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि रफ्तार नहीं बोला है, रफ्तार एक्चुअली पुश कर रहा है इन सबको ये सब बोलने के लिए, तो हम ये भी पॉसिबिलिटी रखें कि रफ्तार ने बोला है एंड ये लोग अपना कर रहे हैं एंड रफ्तार डोंट वांट टू स्टॉप देम, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, आप एक आर्टिस्ट को नहीं रोक सकते उनका गाना बनाने के लिए, वो जो भी कर रहे हो उनको करने दें, क्योंकि वापस रिप्लाई भी आएगा, रफ्तार में भी वो जानते कि एमयूए भी रिप्लाई देगा इसका, तो अगर ये उस तरीके से समझेगा तो मैं भी समझ जाए, तो मे भी वो सब चीज़ें हुआ है। अगेन रफ्तार पब्लिकली आना चाहिए, पब्लिकली ये चीज़ें को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि हिप हॉप
अगर वो उनको हिप हॉप में ओजी बोला जाता है रफ्तार को, देन ही नीड्स टू कम आउट एंड ये जो हिप हॉप में जो नेगेटिविटी फैली है उसको दूर करने का जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेना चाहिए रफ्तार, आके एड्रेस करना चाहिए जो उनकी आवाम ने जो टॉक्सिसिटी फैलाई है उसको एड्रेस करना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर उन्होंने बातें की है तो उसको करना चाहिए। अगर रैंडम लोग होते तो ठीक है, वही लोग वही आईडी अंकित खन्ना के साथ है, कम ऑन। छुप के पीछे से बैठ के तुम एकदम रात में पॉलिटिक्स खेल रहे ले ना तुम, पीछे छुप के एकदम क्या, हाँ अपन कुछ नहीं कर रहे ले, पूरा वीडियो लीक हुआ ला ये लोग का, पब्लिक जाके वीडियो चेक करो, और जो भी बंटाई को जेडे चले बंटाई की तरफ से कुछ भी फेक खबर को तुम लोग बहुत ये धाकड़ वाकड़ रिएक्शन बागची वागची कौन सी चैनल रहे तुम लोग बागची बहुत कवर करते, तुम लोग ये सब कवर करे ले ना, आज देखता हूँ मैं जाके चेक करता हूँ तुम लोग कवर करे कि नहीं करे, नहीं तो सामने करो सामने लाओ। जितने भी YouTube रिएक्शन वीडियो चैनल वाले बोलते ना मैं बायस नहीं हूँ, बायस नहीं हूँ का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों का चाटना नहीं होता है, दोनों का चाटना नहीं होता है, बायस का मतलब ये है, बायस मतलब ये शॉर्ट है कि भाई ये गलत है तो ये गलत है, भले से वो तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट होना हो बोलो कि भाई। पूरा पूरा यहाँ पे लेसन ले लिया सबका, सब रिएक्टर्स का, पर मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि मैं हमेशा अपनी बात आगे रखता हूँ, चाहे वो एमयूए के खिलाफ़ हो, एमयूए के फॉर में हो, चाहे वो कलमकार के खिलाफ हो, कलमकार के फॉर में हो, कृष्णा के खिलाफ हो या फिर कृष्णा के फॉर में हो, ठीक है, मैं हिप हॉप के फॉर में बोलता हूँ चीज़ें, एटलीस्ट मैं वो समझता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिद्धि प्राप्त करके बैठ चुका हूँ यहाँ पे, आई एम द वन, मैं सारा ज्ञान मेरे को आ चुका है, मे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोलता हूँ। मैं डरूंगा नहीं कि एमवी मेरा चैनल ब्लॉक कर देगा, तो मैं ये गाना अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा अच्छा बोल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा बोलूँगा ये सब चीज़ें। और अगर कलमकार से गलत हो रहा है कलमकार को गलत बोलूँगा, कृष्णा से गलत हो रहा है कृष्णा को गलत बोलूँगा, एमवी से गलत हो रहा है एमवी को भी गलत बोलूँगा, उतनी है हिम्मत मुझ में, उतनी थॉट, उतना सोचने का काबिलियत है मुझ में। इसने यहाँ पे गलत बोला है, ये गलत है तो गलत है, तारीफ कर रहे थाली ताली बजा के व्यूज के लिए बैठ मत जाओ रे, पैसा कमाने के लिए व्यूज के लिए सब्सक्राइबर के लिए तुम लोग मजे लेते हो इसमें ना, पैसे नहीं कमा रहे, कॉपीराइट क्लेम्स आ रहे हैं, बी आर आई बंटा रिकॉर्ड से भी कॉपीराइट क्लेम्स, कलमकार से भी कॉपीराइट क्लेम्स, हर जगह से कॉपीराइट क्लेम्स, लेफ्ट एंड राइट हर जगह से कॉपीराइट क्लेम्स। दूसरे लोग झगड़ते रहते, लोग यहाँ मजे लेने बैठे ले, कुछ लोग है ना सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे लड़ते हैं इसलिए ताकि उन लोगों को पब्लिक देखे और पब्लिक को मजे लेने का है भाई, दूसरी बात। बाकी बंटाई की पब्लिक ऐसा कभी करती नहीं है, कुछ एड़े चाले नहीं है, बंटाई पब्लिक सही म्यूजिक फैलाती है, सही शेयर करती है, तुम लोग वहाँ से सामने आरामी गिरी होती है, तू यहाँ से आरामी गिरी होता है, बाकी वहाँ से नहीं होएगा तो यहाँ से भी नहीं होएगा, सुनीना का तुम लोग को खुल के दिख, पता नहीं लाइव कैंसिल हो गया क्या सीन, मुझे ज्वाइन हो जाओ फिर से, पिक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, बातें बाकी है, भरा पड़ा है भाई बंटा है, भरा पड़ा है, वो बोल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, मेरे को और बोलने का है, मैन कम ऑन। दो ढाई साल से बहुत से आ रहे, बहुत से इन क्या ब्रा, इजी मीमैक्स भाई, मेरे को डर लगा भाई, ये जो पीछे मोशन मतलब मूवमेंट हुआ ना, मेरे को लगा कि क्या हो गया भाई, बट ओके, आर्टिस्ट आर्टिस्ट आ रहे, ओके बी आर आर्टिस्ट बंटा रिकॉर्ड्स। अरे ये लोगों बहुत सहन किया लाला, बहुत सहन किया, एक इंसान है बेटा, अपन भी भेजा आउट होता कम ही है, चाहे ऑन कितना भी ब्रा, आर्टिस्ट सेलिब्रिटी रहने दे। दिस इज रियलनेस, ये रियल है, फेक नहीं है, ये रियल है, आप देख पा रहे हो कि कितना रियल है, अनफिल्टर्ड है ये, अनफिल्टर्ड। भेजा आउट होता ही है ये लोग का, जो आउट हो गए ना बातें से वो नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ये लोग की जो बाहर आनी बाकी है, बैठ के प्लानिंग करते हैं कि हाँ क्या बोलता जा? गन्ना बोलता कि कोई भी आके इसको क्या नो लैंडिंग जोन, हाँ कोई भी आके इसको बजा के, कोई भी आके इसको क्या बजा के चले गया तो हमारे ऊपर नाम आएगा, अबे कुल्फा करे कुल्फे बजाएंगे चला जाएगा, तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज। यार कृष्णा ये जो आई मीन अंकित खन्ना ही इज लाइक मैन, मेरे को तो वो कभी मेरे को वो को, मैं कोई वैल्यू नहीं देता था अंकित खन्ना को, मैंने उसको कभी फॉलो करता हूँ ना ही कुछ, मुझे पता नहीं कि उसको क्यों ही फॉलो करे, क्या ही है वो। तो अंकित खन्ना जो भी वो कर रहे हैं अपने लाइफ में मैनेजमेंट वो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, दुबई में बैठ के बोल रहे हैं कि हम मुंबई में शो करेंगे, देखें क्या कर रहे हैं, अरे भाई पहले इंडिया तो आ जाओ आप, हैं इंडिया तो आ जाओ, आपके जो पार्टनर हैं वो बोल रहे हैं कि ऑफिस में कैसा चल रहा है, ऑफिस में सीन कैसा ही है, आप खुद तो आओ ऑफिस पहले, सो
डोंट डू दिस ना, डोंट डू दिस। आप ये भड़काओ मत, जो भड़काऊ बातें करते हो ना, ये भड़काओ मत। आर्टिस्ट को आर्ट करने दो, उनका गाना कराने दो, ये डिस विस में मत अटके रहो, यू नो। ये तो अंकित खन्ना इज नॉट डूइंग अ गुड थिंग मैन। ये सब इंटरव्यू में ये सब चीज़ें बोलना, ये सब पोकिंग है, ये सब अननेसेसरी पोकिंग है। बजाएंगे चला जाएगा, तेरे को क्या है? बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज, मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर। ये सब चीजें हो ही है और ये गलत हुई है, ठीक है? ये सब मत कर, तेरे को वार्निंग है, ये मत कर, ये सब सुधर जाओ। सीन में अभी भी वक्त है, बोलो कि हम लोग जो भी रास्ते पे थे फेम के लिए कर रहे थे, क्लाउड के लिए कर रहे थे, क्लाउड चेन आ रहे तुम लोग ऑब्वियसली क्लाउड के लिए कर। आई मीन वो जब लंगर प्रीवर्सिस लंगर और सीधा मेकओवर निकला था, वो क्लाउड के लिए डेफिनेटली था। ये आई थिंक दिस वॉज ऑल रिएक्शन टू चूसम्बा जो हुआ। लेकिन उसके बीच बीच में जो एम ए बोल रहे कि पोक किए रहे, हाँ तीन तीन ट्रैक्स के बाद एक ट्रैक ऐसा आता है जहाँ पे शॉर्ट्स ले जाता है, जहाँ पे शॉर्ट्स ले जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि अगेन उनके जो नॉर्मल ट्रैक्स है वो इतने नहीं व्यूज़ कमा पाते, इसीलिए वो लोग ऐसे डिस करते हैं, क्लाउड के लिए करते हैं। लेकिन अगेन वो पोकिंग चुभता है, एक्चुअली चुभता है, वो पोकिंग लगता है और एक मोमेंट में हद के पार हो जाता है एंड उसको यू नो वेंट आउट करना जरूरी है। वो गाना बनाने का ना मेरे रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट लोग के साथ गाना रिकॉर्ड, तुम लोग कोलैबोरेशन करा लो, आ जाओ मेरे साथ गाना बनाने का, मेरे साथ बना लो, आ जाओ। लेकिन आपको क्लाउड चाहिए तो मेरे साथ डायरेक्ट गाना बनाओ, खतरनाक व्यूज आएंगे आपको। बंटा रिकॉर्ड्स के साथ मैं बात करूंगा, वो आर्टिस्ट भी आपके साथ काम करेंगे, यू नो। सो एमवी की तरफ से सब शॉर्ट है भाई, वो बोल रहे कि इतना कुछ डैमेज हुआ भी नहीं है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, हम प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, यू नो। चिल तो नहीं कर सकते साथ में बैठकर, और ये नहीं कि हम यू नो भाईचारा फिर से वो सब चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रोफेशनली हम कर सकते हैं। आपको व्यूज चाहिए, आपको फेम चाहिए, हम वो भी दिला सकते हैं। उतना बड़ा हो चुका है बंटा है मैन, ना इतना नीचे मत गिरो रे। और नो लैंडिंग जोन बोलता हूँ इंटरव्यू में, फिर बाद में बोलता अगर फैमिली पे गया तो नो लैंडिंग जोन। ये सब क्या है रे, ये सब क्या है? तुम लोगों अगर फुल फ्लेजेड करने का रेड चले तो फिर बोलो ना फुल फ्लेजेड। ऐसा आधी आधी बातें आधी बातें आधी आधी बातें करते हैं लोग, आधी आधी बातें करेंगे क्या? हाँ ये ऐसा बोलेंगे फिर भाग लेंगे। अभी छम्या को भी टेक्स्ट किया मैं, अभी उसको उसको टेक्स्ट किया, क्या टेक्स्ट किया उसको, बोला कि क्या हो रहा है तेरे को, धमकी दे रहा था ना तू, क्या हुआ बोलना, अभी सीन करके वटली छम्या, छम्या बात करना। ये लोगों को लगा अपन शांत रहेंगे भाई, ये लोगों को लगता अपन शांत रहेंगे, लोगों लग रहा है एमवीए का बैकअप नहीं है, कोई पीछे नहीं है। अभी है ना जो पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आई मेरे को, अभी पीछे से आवाज आई, जो जो तुम जरा तुम लोग के पीछे कोई बैठे ना गन्ना, वैसा हमारे पीछे से आवाज आई, बोली कि बेटा घुस जा। ओ मेरे पीछे से आवाज आ रही कि बेटा घुस जा, ब्रा ब्रा अभी घुस जा, अभी देखने का शॉट नहीं है, ये लोग बहुत बजली है, देखने का शॉट नहीं है, घुस जा डायरेक्ट। हमेशा ट्राई किया कि बोले प्लीज प्लीज, ओ माय गॉड सही करो। ये जो वेरिएशन आप देख रहे हो ना, ये वेरिएशन जब आप असली में अपने दिल की बात करते हो ना, ये वेरिएशन, ये इमोशन जो है ये वैरी करते रहते हैं। आप हाइप हो जाते हो, फिर आप आराम से समझाते हो, फिर आप हाइप हो जाते हो, फिर आप आराम से समझाते हो, यू नो ये वैरी करता रहता है। अगर जब आप रियल बातें करते हो ना, ये वैरी करता रहता है। आई एम सॉरी, बहुत हो गया रे। गाने के नीचे कमेंट करना, लड़की के फोटो पे कमेंट करना, लड़की को रेप थ्रेट देना, क्या दुबई में बैठ के बकचोदी करता क्या? अरे दुबई, अबे कतर में तेरे हम लोग, उधर पे तो तेरे को एंट्री भी नहीं मिलेगी। कतर आने के लिए एक वजब चाहिए रहता है, हाँ तेरे ऐसे लोग को पूछेंगे भी नहीं उधर कतर जाने के लिए ना। तू चला भी जाएगा तो जाएगा भी, पैसे ये लोग पैसे घुसा के इधर उधर से इसकी उसकी पहचान से जाते रहे, अपन खुद के पहचान से घुसे। एम ए बंटे को लगता है कि कलमकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा पैसा है, बट एनी वे मैन इज रियल मैन, जो भी है रियल है बंदा, यू नो। एंड अगेन स्वालिना का चीज़ है, जब यू नो मेरे को पता चला कि कृष्णा ने ट्वीट किया था, मैंने देखा कि ट्वीट, आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट, फिर नीचे लिखा है इन योर गर्ल, दैट वॉज अनकॉल्ड फॉर। वो सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी कृष्णा को, वो सब चीज़ें बोली कृष्णा ने, और उसके बाद चीज़ें हुई स्वालिना के साथ, फिर स्वालिना ने रिएक्ट किया, यू नो। सो कम ऑन, आई मीन कृष्णा, दैट वॉज वेरी लो, दैट वॉज अ वेरी लो ब्लो फ्रॉम कृष्णा, यू नो। आपको अगर डिस करना है एमिनम के एमिनम के साथ,
अगर आपको डिस कर रहे हैं तो डायरेक्ट डिस करो, डिस ट्रैक बनाओ, स्वालिना को जाके ट्वीट करना, ये स्वालिना को ट्वीट नहीं बट यू नो ये सबलिमिनल शॉर्ट्स, ये जो अंडरलाइन शॉर्ट्स है ना, ये किसी को भी गधा नहीं बना सकती, यू नो सब समझते हैं कि आप किसको बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, ये सब चीज़ें कम ऑन। उसके बाद काफ़ी कुछ झेलने पड़ा उनके डीएम्स में, उनके कमेंट सेक्शन में, उनके यू नो जब वो गाना ड्रॉप करते हैं उसके कमेंट सेक्शन में, तो ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती। ऑफकोर्स एमयूए उनके यू नो क्लोज्ड वन है, तो वो जब देखते हैं, एमयूए जब देखते हैं तो उनसे भी हैंडल नहीं होता कि कैसे ट्रीट हो रहा है लड़कियों के साथ। एंड आफ्टर दैट ट्वीट स्पेसिफिकली जो उनकी आवाम है वो आके कैसे ट्रीट कर रही है, जाएगा भी पैसा, ये लोग पैसे घुसा के इधर उधर से इसकी उसकी पहचान से जाते रहे, अपन खुद के पहचान से घुसे ले, जो कंट्री में जाते खुद के पहचान से जाते, लाला खुद बुलाते सामने से लोग, इंडिपेंडेंट बोले तो इंडिपेंडेंट, बिना पैसा लगाए। और लड़की की बात कर रहे हैं, बाकी लड़की की बात, लड़की की तो तुम लोग बोल रहे, वो सोलिना को जिस हिसाब से थ्रेट आते ना तुम लोग, जो तुम लोग के फैन की तरफ से इतनी गंदी गंदी कॉमेंट, अभी से आने तो दो तुम लोगों कॉमेंट को, अभी अपन भी चालू हो जाएंगे ना ये सारी चीजें, शुरू हो जाओ रे, पैसा लगाए कितने, 600 कितने लोग बैठे थे उसमें, 600 वो वीडियो है, वो वीडियो लगा के दे ना जरा, वीडियो तो लगा के दे उसकी, उसको वीडियो तो लगा के दे, लैपटॉप में नहीं है, इसमें स्पीकर बन के लो नहीं, ये लोग को लग रहा भाई, ये लोग है ना इंडिपेंडेंट, ये लोग के पीछे कोई नहीं है, बच्चे लोग है, ये लोग डर के लिए, हाँ वही तो बाबा, खुदा है अपने पीछे लाला, और खुदा के और उसके अलावा खुदा है उसके अलावा भी कोई और है, जैसे तुम्हारे पीछे गन्ना है ना, काम आना। लुक एमए बनता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो दिख रहा है गुस्से में क्यों है, क्योंकि फ़र्क पड़ा है उनको, और वो सब चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ा है जो कृष्णा ने एमए के बारे में बोला। कृष्णा ने जो स्वालिना को देख के जो उनके कॉमेंट सेक्शन में वो सब चीज़ें जो हुई है, बेसिकली उसी को लेकर एमए इतना यू नो हाइपर हो चुके हैं। अगेन मचाएंगे फोर उन्होंने डिलीट कर दिया, टू मच हेट उसके वजह से डिलीट कर दिया, ऑल्सो अदर रीजन्स भी थे। एंड ऑल्सो या दिस इज़ वाई आई लाइक एमयूए, एमयूए का फेक कोई चीज़ नहीं है, रियल रहते हैं, और आगे भी हम चेकआउट करेंगे जो भी एमयूए बोलते हैं अगले यू नो पार्ट्स में। ये था सेकेंड पार्ट, बड़ा था, स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड वन।